आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी जिंदगी जहां खूबसूरती तो रहती है, साथ ही वो सब कुछ मिलता है जो आप चाहते हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं ग्लैमर वर्ल्ड की। आज किसे पसंद नहीं ग्लैम वर्ल्ड की चकाचौंध, लेकिन क्या ये दुनिया वाकई से खूबसूरत है? क्या इस फैशन वर्ल्ड के पीछे ऐसा कोई सच है जो बाहर से अनदेखा रह जाता है? आजकल तो मॉडल्स और खुदकुशी के बीच जैसे कोई चोली दामन का रिश्ता बन गया है। हाल ही में मुंबई की दो मॉडल्स ने अपनी जान लेकर इस ग्लैमर वर्ल्ड को कर दिया है अलविदा। आखिर क्यों इन मॉडलों ने अपनी ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर गले लगा लिया है मौत को? यह है इंडिया का एक टॉप फैशन शो, यहाँ आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। खूबसूरत मॉडल्स विद देयर परफेक्ट 10 फिगर, कीमती से कीमती हाई स्ट्रीट फैशन, ग्लैमर की दुनिया की हुजू का जमावड़ा। मीडिया का पागलपन, झलकते हुए फ्लैश बल्ब्स, चमकता हुआ चेहरा, धड़कता हुआ दिल, सुलगती हुई सांसें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए अब हम थोड़ा बैकस्टेज में चलते हैं। शोनाली, शी इज इन देयर। शोनाली, कम आउट ऑफ देयर, कम आउट राइट नाउ। व्हाट्स द प्रॉब्लम अनिशा? दो घंटे से पूरा यूनिट वेट कर रहा है। इट्स अ बिग एड फिल्म शूट फॉर हेवन सेक, और तुम ये दिस ऑफुल हैबिट। यू बेटर बक अप शोनाली। हाँ, ये तीसरी कंप्लेंट है तुम्हारे खिलाफ। हमारे क्लाइंट्स तुम्हारे हर मिनट के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। मेरी एजेंसी, मेरा रेपुटेशन है, सिर्फ इसलिए तुम यहाँ हो अब तक। और अगर आपने आपको कंट्रोल नहीं किया ना, तो तुम्हारी पोजीशन लेने के लिए बहुत सारी लड़कियां हैं। गॉट इट? डोंट वरी, मैंने लेकिन अगर वो मधुर भंडारकर की ये फिल्म महज फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा आईना है जहां दिखाई देता है इस खूबसूरत दुनिया का एक अलग ही चेहरा। गॉर्जियस, वेलकम टू मुंबई। नो 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 डार्लिंग, लेसन नंबर वन, नेवर किस द चीक्स, ओके? मुआ मुआ, सिट। आई एम सॉरी आई एम लेट, बट क्या करूं, विनय मुझे जाने नहीं दे रहा था। नाउ बिफोर यू जंप टू एनी कंक्लूजंस, विनय खोसला इज माय बॉस, यू नो द फेमस बॉलीवुड डिजाइनर। आज शाम को जुगू की फिटिंग्स है, यू नो लास्ट मिनट चेंजेस। जुगू रितिक, एनीवे इनफ अबाउट मी, यू टेल मी हाउ यू आर। मैं ठीक हूँ। यू नो जब चंडीगढ़ के उस सिली ब्यूटी कॉन्टेस्ट में देखा था तुम्हें, आई जस्ट न्यू दैट यू वर गोइंग टू बी अ स्टार। थैंक यू रोहित, तुमने कॉन्फिडेंस दिया इसलिए यहाँ चली आई। अब सब तुम्हारे हाथों में है। Don't worry, darling. I'm your man. Pictures है? हाँ है ना? Okay, let me have a look. इस globalization और beauty pageants की दौर में हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर इस glamour industry में कदम तो रख देते हैं, लेकिन कामयाबी इनमें से बहुत कम लोगों को ही मिलती है। Interesting. I'll handle it. Okay. और अगर कामयाबी मिल भी जाए तो वो कामयाबी का रास्ता होता है बहुत ही मुश्किल। सर, सर एक नई लड़की आई है सर, गायत्री करके, रोहित कुमार के रेफरेंस है सर। सर मैंने उसका ऑडिशन लिया है सर। सर वो परफेक्ट एक्सप्रेशन देती है और सर डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है सर उसकी। सर वो अपनी दूसरी फिल्म की हीरोइन संतालिका के लिए वो एकदम परफेक्ट है और सर प्रॉमिसिंग भी है सर। क्या करूं सर? देगी क्या? कैसे रही तेरी मीटिंग चारू मोहंती के साथ? अरे कहाँ जा रही हो?
बूढ़े हो गए हो तुम। 3 महीने का गैप पड़ गया ना, इसलिए। क्यों किया 3 महीने का गैप? इस वजह से। कभी कभी तो अपनी मेहनत और लगन के साथ साथ खुद को बेचना भी पड़ सकता है। इससे काम तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसका असर अपनी रूह और आत्मा में बस जाता है, जिससे लड़ना हो जाता है नामुमकिन। हमारे इस फैशन इंडस्ट्री में गे डिजाइनर्स की कमी नहीं है। ऐसे में मेल मॉडल को भी काम पाने के लिए मजबूरन समलैंगिक रिश्ते बनाने पड़ सकते हैं। गलत रास्ते से जल्दी कामयाबी का सीढ़ी चढ़ने का मतलब खुद को एक ऐसे विशेष सर्किल में ढकेल देना है जहां से निकल पाना है मुश्किल। अगर आप निकल भी गए तो उस गलती का बोझ पूरी जिंदगी उठाना पड़ सकता है। Guys, I'm ready. किसी को शूट करना है कि नहीं? Yeah, of course. Oh, Vinay. मैंने सोचा था कि मैं ड्रेप को ऐसे पकड़ूंगी। मुझे पता है तुम कितने पर्टिकुलर हो अपने ड्रेप्स के बारे में। अगर पसंद नहीं आया तो चेंज कर सकते हैं। No, it's absolutely fine. You're looking gorgeous. Showbiz एक ऐसा जगह है जहाँ कामयाबी मिलना आसान नहीं। What are you standing here for? Go and get the next stand ready, duffer. So, go. अरे चलना यार, लेट्स हरी अप। 2 घंटे हो गए, एक शॉट नहीं लिया अभी तक। मेघना डार्लिंग, आर यू रेडी? तुम इतने हाइपर क्यों हो रहे हो कार्तिक? वैसे भी तुम्हें क्या करना है, सिर्फ बैकग्राउंड के कलर्स तो बदलोगे। और अगर कामयाबी मिल भी जाए तो भी उसे संभालना है okay? और भी मुश्किल। ओके ओके गाइस, कम ऑन गाइस, कम ऑन, लेट्स गेट रेडी। Swati, will you please get me a stole right now? Hey!
और जब कामयाबी हो जाता है दूर का सपना, तब आप हो सकते हो डिप्रेशन का शिकार। नतीजा ड्रग्स, अल्कोहल और गलत रिश्ते। Driver's song. इस डॉग इट मैन इंडस्ट्री में लोग आपको बनाने से ज्यादा आपको बिगाड़ने में लगे। शो बिजनेस में अपने आप को मेंटेन करने के लिए चाहिए ढेर सारे पैसे, और अगर सही तरीके से कमाए नहीं होता तो कभी कभी गलत रास्ता भी चुनना पड़ सकता है। तुम उस लीग में ही नहीं हो, यू आर स्ट्रगलिंग यार। मेघना, आई एम रियली हैप्पी कि तुम उस बड़े लीग में हो, पर तुमने कभी ये सोचा है कि ये सब पाने के लिए तुम क्या खो रही हो? सुबह के 4 बजे लेक्चर, कम ऑन। लेक्चर मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सक्सेस हैंडल करना सबके बस की बात नहीं है। अच्छा तो एक बात बताओ, सक्सेस के बारे में वही लोग लेक्चर क्यों देते हैं जिन्होंने सक्सेस कभी देखी नहीं हो? क्योंकि वो लोग सक्सेस के पीछे पागल नहीं होते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि कामयाबी के नशे में चूर अक्सर लोग अपने सही रिश्तों को पहचानने में भी गलती कर देते हैं। और जब जरूरत पड़े तो आसपास कोई नहीं मिलता और वो जिंदगी से पूरी तरह हार जाता है। उसे खोने का दर्द तो बहुत था, पर साथ ही एहसास भी था। ये है 37 साल की विवेका बाबाजी, एक कामयाब सुपर मॉडल। सब कुछ होने के बावजूद भी इन्हें करना पड़ा सुसाइड। मीडिया की माने तो खुद खुशी का कारण है फेल्ड रिलेशन, अकेलापन। 90 के दशक में मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्टेंट विवेका आखिर क्यों हो गई थी बिल्कुल अकेली? मीडिया के पास है तरह तरह के स्पेकुलेशन, जवाब उनमें आपको मिल जाएगी। विवेका की मौत के 1 महीने के अंदर ही मुंबई की और एक मॉडल नताशा ने भी किया खुदकुशी। मॉडलिंग वर्ल्ड से नताशा को तो ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, लेकिन फ्री एंड फ्रैंक इमेज रखने वाली नताशा रईस परिवार की थी और मर्सिडीज में घूमती थी, फिर भी नताशा को करना पड़ा खुदकुशी। कारण शायद असफल करियर। नताशा भी थी डिप्रेशन का शिकार और 2006 से उनकी ट्रीटमेंट भी चल रही थी, लेकिन इस रंगीन दुनिया में अपना सपना साकार होने से पहले ही नताशा ने मौत को गले लगाना ही बेहतर समझा। तो आपने देखा कि इस ग्लैमर इंडस्ट्री में कदम जमाने के लिए एक मॉडल को क्या क्या झेलना पड़ सकता है, लेकिन क्या इस रात की कोई सुबह नहीं है? हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए सिर्फ हमारे साथ।